नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं SHWP कार्य योजना पंजिका के बारे में, गतिविधि नंबर 6 से। गतिविधि नंबर 6 में हमने क्या लिखा है, दिनांक है 22/3, तीसरा महीना यानी मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार को, समय भोजनावकाश के बाद, विद्यालय UPS औरंगा 1-8, मुख्य विषय है जल है तो कल है। आज दिनांक 22 मार्च को विद्यालय में हेल्थ मैसेंजर टीम द्वारा एक गतिविधि कराई गई जिसका टॉपिक था जल है तो कल है। इस पर एक बच्चों ने एक लघु नाटक प्रस्तुत किया तथा विद्यालय के सभी बच्चों को जागरूक किया, जिसमें पानी की स्वच्छता, पीने योग्य पानी का संरक्षण, होने वाली बीमारी एवं उनसे बचाव आदि पर एक संदेश दिया था। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, उसके बारे में सभी बच्चों को जागरूक किया गया, पानी का संरक्षण क्यों वे कैसे करें उससे अवगत कराया गया और गंदे पानी से होने वाले रोगों पर चर्चा एवं बचाव के उपाय बताए गए। बच्चों ने पानी पर जो है एक बाल कविता प्रस्तुत की थी। सभी बच्चों ने गतिविधि में प्रतिभाग किया। सभी बच्चों ने पानी के बचाव एवं स्वच्छता के लिए शपथ लेते हुए गतिविधि का समापन किया। उसके आगे है गतिविधि नंबर 7। गतिविधि नंबर 7 है 26 मार्च की है, इसका दिन है मंगलवार। तो इसमें हमारा समय है प्रातःकालीन सभा, जो प्रार्थना सभा होती है उसी के दौरान ये चीज़ें हमने कराई थी। तो उसका मुख्य विषय है हाथों की स्वच्छता। तो इसमें हमने क्या कराया है, इसमें आओ प्रण ले, इसमें एक बाल कविता थी हाथों की स्वच्छता के ऊपर, जो गिनतियों के माध्यम से पूरी कराई गई। इसमें 1, 2, 3, 4 हाथों को धो बार बार, 5, 6, 7, 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ, 9, 10, 11, 12 झाग बनाओ को सारा, 13, 14, 15, 16 उंगली फंसाकर बना लो झोला, 17, 18, 19, 20 नाखून रगड़ कर कीटाणु खींच। तो ये एक कविता थी। इस कविता को हमने अच्छे तरीके से गिनतियों के माध्यम से हाव-भाव से और लय के साथ बच्चों के साथ शेयर किया। उसके बाद सभी बच्चों से स्वच्छ हाथों के लाभ के बारे में चर्चा की गई और बच्चों को बताया गया कि हाथों की स्वच्छता के क्या क्या फायदे हैं तथा हाथों की जो गंदगी होती है उनके क्या क्या नुकसान हैं। तो मैंने गतिविधि के बारे में नोट किया और बच्चों को एक अच्छे तरीके से गतिविधि कराई। तो उसके बाद गतिविधि के बाद हमने सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया और फिर जो हमारी हेल्थ मैसेंजर की जो टीम थी सभी ने उस कविता को अच्छे तरीके से कराया था। उसके बाद सभी को नल पर ले जाकर स्टेप वाइज जो कविता में हमने स्टेप बताए थे हैंड वॉश करने के, उसी तरीके से बच्चों को हाथ धुलाए गए तथा उनके फायदे पर विस्तृत विचार रखने का मौका भी दिया। आज की गतिविधि बहुत ज़्यादा रोचक रही थी और आज की यानी 26 तारीख की जो गतिविधि थी वो हमारी बहुत ही रोचक रही थी। और हाथों की स्वच्छता का प्रण लेते हुए इस गतिविधि का समापन किया। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप भी अपनी इस गतिविधि को अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके आगे है गतिविधि नंबर 8। इसमें मैंने क्या लिखा है, ये गतिविधि कराई है मैंने 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को कराई है और दिन है मंगलवार। इसमें समय है भोजन अवकाश के बाद और हमारा जो मुख्य विषय है वो है गुड टच एंड बर्ड टच। तो ये क्या होता है इसके बारे में बच्चों को अच्छे तरीके से जागरूक किया गया और मैंने यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसमें नोट किया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको हमने गतिविधि के तरीके से बहुत ही विस्तृत रूप से बच्चों को जागरूक करने का संदेश दिया। तो इसमें आज दिनांक 2/4/2024 को हेल्थ मैसेंजर टीम द्वारा एक गतिविधि का आयोजन किया गया। ये गतिविधि हमने अपनी जो हमारी जो मैसेंजर की जो टीम है उसमें पहले ही से तैयार करके रखी थी ताकि मंगलवार को हम ये सभी बच्चों के सामने अच्छे से करा सकें और बच्चों को जागरूक कर सकें, जिसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वे असुरक्षित स्पर्श को समझाना रहा। तो इसमें गुड टच क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गुड टच एक ऐसा स्पर्श होता है जिसे बच्चों को सुखद और सुरक्षित महसूस होता है। ये स्पर्श बच्चों में मुस्कान लाते हैं, जैसे घर पे माँ का गले लगाना, पिताजी का गुड नाइट, के खेल खेल में दोस्त का हाथ पकड़ना, दादा दादी का बाहों में लेना, इस तरह के जो टच होते हैं जो बच्चों को अच्छा फील कराते हैं वो गुड टच के अंतर्गत आते हैं। और बैड टच क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा स्पर्श होता है जिससे बच्चे असहज और बुरा महसूस करते हैं। एक ऐसा टच यानी जिससे बच्चों को टच करने पे बुरा फील होता है, उनको अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं कि हम उसे जो भी हमें टच कर रहा है हम उसको रोक दें। तो इस तरह का जो टच होता है तो वो बैड टच के अंतर्गत आता है। जैसे
खासकर बच्चों की अनुमति के बिना उन्हें कोई गलत तरीके से गलत जगह छूता है, जैसे अगर कोई बच्चा निजी अंगों को छूता है और किसी को न बताने के लिए कहता है। इस प्रकार के जो स्पर्श होते हैं बच्चों को हमेशा बचना चाहिए, ये बेड टच होते हैं। तो इस गतिविधि को हमने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से जागरूक किया, साथ ही ये गतिविधि कराई गई वो मैंने अपनी YouTube पे भी अपलोड कर रखी हुई है। पहले भी मैंने बच्चों के साथ शेयर की थी और फिर से मैंने वही गतिविधि दोहराई है। तो इसमें बच्चों को एक गतिविधि के माध्यम से टच के बारे में समझाया गया। तो आगे वाली गतिविधि है गतिविधि नंबर 9 और ये है 9 अप्रैल की। तो 9 अप्रैल को हमारा मुख्य विषय क्या था इसके बारे में बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर नोट किया है 9 तारीख को, जिसमें हेल्थ मैसेंजर की टीम के बच्चों, स्टाफ व समस्त स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और मुख्य विषय रहा गर्मी व लू से बचाव। अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उससे बचाव के लिए बच्चों को कुछ जानकारियाँ दी गई, उनको समझाया गया, बताया गया। तो इस गतिविधि में मैंने मेन टॉपिक रखा है गर्मी व लू से बचाव। तो इसमें बच्चों को क्या बताया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सारी जो गतिविधियाँ मैंने एक शॉर्ट तरीके से इसमें नोट किए हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, क्योंकि हम जब कराते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं वो, और लेकिन जब लिखते हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना ही अच्छा रहता है। तो खुले शरीर धूप में ना निकलें, खुले सिर पर नंगे पैर धूप में बिल्कुल ना जाएं, स्कूल आते हुए जाते समय सिर को अवश्य ढकें, अचानक ठंडी जगह से गर्म जगह ना जाएं, प्यास बुझाने के लिए नींबू पानी व घड़ी के पानी का अधिक उपयोग करें, धूप में रखे फल सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, गर्मी के दौरान नरम व सूती कपड़े पहने, अत्यधिक बर्फ़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं है। और जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे खा लेते हैं अक्सर बाहर के चाट पकौड़े, समोसे, टिक्की, बर्गर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम खाएँ, यानी बिल्कुल भी ना खाएँ हो सके तो। गर्मी के दिनों में बार बार पानी पीते रहें और ताज़े मौसमी फल सब्जी छाछ दही जो है उनका सेवन करते रहें। ये जो ताज़े मौसमी फल होते हैं सब्जियाँ होती हैं और छाछ और दही होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो गर्मी व लू से बचाव के लिए बच्चों को अच्छे से बताया, गर्मी के बारे में बच्चों को जागरूक किया और उनको स्कूल आते वे जाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में भी विस्तृत रूप से हेल्थ मैसेंजर टीम ने चर्चा की। आगे है हमारे गतिविधि नंबर 10। तो 10 गतिविधि कराई थी 16 तारीख को, 16 अप्रैल में कराई थी और दिन मंगलवार था। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से नोट किया, आपने विद्यालय का नाम भी लिखा है और जब आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे तो इससे आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, जगह का नाम नोट करिएगा और साथ में ही जो आपकी मैसेंजर टीम है आप उसके नाम भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने किसी के नाम ऐड नहीं किए हैं पर आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसका मुख्य विषय था 16 तारीख की जो गतिविधि है उसका मुख्य विषय है संचारी रोग। तो आजकल बहुत ज़्यादा रोग फैल ही रहे हैं गर्मी की वजह से, तो उन पर एक नुक्कड़ नाटक करा गया था और बच्चों को जागरूक किया गया था संचारी रोगों के बारे में। तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है संचारी रोग के नाम से, एक प्लेलिस्ट है स्वच्छता संचारी रोग के नाम से, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी गतिविधि मिल जाएंगी जो कि हेल्पफुल होंगी और आपको आइडिया मिलेगा बच्चों को कराने का भी। तो सभी बच्चों को गोलाकार बिठाया गया, उसके बाद हेल्थ मैसेंजर की टीम द्वारा संचारी रोगों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई, संचारी रोग क्या है और कैसे फैलते विस्तृत रूप से समझाया गया। संचारी रोगों पर हेल्थ मैसेंजर टीम ने एक लघु नाटक पेश किया तथा बच्चों को होने वाले रोग जैसे हैजा, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पेचिस आदि जो रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी दी, उनके लक्षण भी बताए और उनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं उनको भी समझाया। हेल्थ मैसेंजर टीम ने सभी बच्चों को स्वस्थ रहने व स्वच्छता अपनाने की हिदायत दी, स्वस्थ एवं स्वच्छता की शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन किया। तो ये गतिविधि भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से नोट किए। तो हम बता दें यहाँ पे हमने संचारी रोगों के बारे में एक नाटक पेश किया था और उस नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूक कराया गया और उनको संचारी रोगों के बारे में, संचारी रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर की गई। अब एक गतिविधि नंबर 11 है, तो ये गतिविधि कराई गई 23 अप्रैल को, तो इसका दिन भी मंगलवार ही रहा। और तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आज दिनांक 23/4/2024 को उच्च प्राथमिक विद्यालय औरंगा में किशोर किशोरी स्वास्थ्य क्लब द्वारा गतिविधि का आयोजन किया गया और आज का मुख्य विषय रहा, आज का यानी 23 तारीख का जो मुख्य विषय था वो था कुपोषण।
कुपोषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति का आहार स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्व या सही संतुलन प्रदान नहीं करता है। इसके लक्षणों में अक्सर वजन कम होना, भूख कम लगना, थकान, चिड़चिड़ापन शामिल होता है। यदि किसी बच्चे को सही पोषक तत्वों का सही संतुलन नहीं मिलता है तो उसे कुपोषण भी हो सकता है। हेल्थ मैसेंजर टीम ने बच्चों को कुपोषण के बारे में समझाया तथा ऐसे बच्चों की पहचान करने को भी कहा जो इस तरह की जो परेशानी है, जैसे किसी बच्चा बहुत ज़्यादा कमजोर दिख रहा है या वो परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसको भूख नहीं लगती है, ठीक से स्कूल में भी खाना नहीं खाता है, तो इस तरह के बच्चों की पहचान करने के लिए भी कहा गया। कुपोषण पर आधारित एक लघु गतिविधि पेश की गई जिससे बच्चों को ठीक से समझ आ सके। समस्त स्टाफ व बैठे अतिथिगण ने हेल्थ मैसेंजर टीम की सराहना की क्योंकि बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से गतिविधि को पेश किया था तथा सभी को जागरूक किया था। कुपोषण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करते हुए गतिविधि का समापन किया गया। तो आज मैं गतिविधि शेयर कर रही हूँ, गतिविधि 11 तक जो आगे वाली जो गतिविधियाँ हैं उनको मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये जो गतिविधि हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हैं और आप इन्हें नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो गतिविधि हैं उनको शेयर करा सकते हैं, अपने तरीके से कोई भी गतिविधि करा सकते हैं बच्चों से जो स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के ऊपर हों और जो बच्चों से जुड़ी हुई हों। नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।